स्मार्टफोन में अच्छा कैमरा मैक्सिमम लोगों की नीड है अभी के टाइम पे। किसी को यूट्यूब वीडियो बनाना है तो किसी को इंस्टाग्राम रील्स बनाना है, और काफी सारे लोग तो फोटोज वगैरह खींचने के लिए अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेते हैं। खैर, इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है आपके लिए, जिसे आप खरीद पाएंगे अभी के टाइम पे 16,000 के अंडर में। और कैमरा फोन के बारे में वीडियो बना रहे तो ऑब्वियसली कैमरा काफी बढ़िया मिलेगा ही, एंड कैमरा का क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया होगा। आई मीन 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिल जाएगा। इसके अलावा भी इनमें आपको सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का देखने को मिलेगा, जैसे पावरफुल चिपसेट मिलेगा, अच्छा डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा, बड़ा रैम स्टोरेज होगा। अगर आपको 16,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कैमरा पर्पज के लिए ही कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको एक अच्छा स्मार्टफोन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर ज्यादा टाइम आपका ना लेंगे, चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आपको 16,000 रुपए में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए या फिर कैमरा पर्पज के लिए ही कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप ले सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M33 5G को। इस फोन का कैमरा जो है ना काफी बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा भी इनमें सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो क्या कुछ इस फोन में दिया गया है, चलिए जान लेते हैं डिटेल्स में। तो स्टार्ट करेंगे इस फोन का बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ मिलेगा, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 9.4 mm का थिकनेस एंड 215 ग्राम इस फोन का वेट है। और आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जिस फोन में 6000 mAh का बैटरी मिले ना, तो उस फोन का थिकनेस और वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। खैर, इस फोन का बेसिक फीचर की बात करें तो 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो One UI 4.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। ये तो हो गया इस फोन का अदर फीचर। अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इनमें आपको TFT LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.6 इंच का फुल HD प्लस है, और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। देखिए, डिस्प्ले भले ही TFT LCD हो बट इनमें 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, जो कि ये चीज गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। और 900 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। तो डिस्प्ले इस फोन का ठीक ठाक ही मिलेगा और गेमिंग के लिए तो अच्छा है। तो बात करते हैं फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल का है, एंड बाकी का कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर है, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, और प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है। और सबसे अच्छी बात है कि आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पर, एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पर। तो कैमरा नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगा और इसमें 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है तो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि काफी सारा ऐसा फोन है जिनमें आपको कैमरा तो बढ़िया मिल जाता है बट उनमें 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता ही नहीं है, तो ये चीज काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो इनमें Exynos 1280 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 5 नैनोमीटर पर बना हुआ है। देखिए, चिपसेट जो है इस फोन का बढ़िया ही मिलेगा, आप चाहे तो गेमिंग भी कर सकते हैं। और बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 6000 mAh का एक बड़ा बैटरा मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। देखिए, ये चार्जर जो है ना चार्जिंग में टाइम तो लेगा ही, क्योंकि 6000 mAh का बैटरी मिल रहा है तो चार्जिंग में टाइम लेगा, बट एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। तो बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 15,850 रुपया देना होगा, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फोन का प्राइस घटता बढ़ता ही रहता है, फिर भी यह फोन आपको 16,000 के आसपास में ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको कैमरा पर्पज के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप चाहे तो इस फोन को ले सकते हैं। अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते अपने लिस्ट का अगला फोन का। अपने लिस्ट का दूसरा फोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T1 5G। अगर आपको 16,000 रुपए में एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर्स को। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का भी बिल्ड क्वालिटी से ही। तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ मिलेगा, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, और काफी पतला सा फोन है क्योंकि 8.2 mm का थिकनेस है और 187 ग्राम इस फोन का वेट है जो कि लगभग ठीक ठाक ही है। कुछ बेसिक फीचर की बात करें तो 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फनटच OS 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इनमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगा, 460 nits का ब्राइटनेस भी दिया गया है, 120 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा। स्मूथनेस इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा और ये चीज गेमिंग के लिए तो काफी अच्छा है।
जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। ये तो हो गया डिस्प्ले, बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, बाकी का कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर है। और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा जो है ना इस फोन का बढ़िया मिलेगा, खास करके यूट्यूब वीडियोज वगैरह बनाने के लिए तो ये कैमरा काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का। तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा। ये जो है ना एक अच्छा पावरफुल चिपसेट है, आप चाहे तो इस फोन में गेमिंग भी कर सकते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं होगा। और 4 लाख प्लस इस फोन का अंतोतु स्कोर भी है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर बढ़िया है। और बात की जाए बैटरी का, तो इसमें आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। और बात की जाए रैम स्टोरेज का, तो इसमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये जो है ना इस फोन का बेस वेरिएंट है और इसी को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 15,990 रुपया देना होगा। अगर आपको 16,000 रुपए में अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कैमरा पर्पज के लिए ही कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का तीसरा फोन आता है Realme के तरफ से Realme 9 4G। अगर आपको 15,000 रुपया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैमरा पर्पज के लिए ही एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो इस कंडीशन पे ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। इस फोन का कैमरा का क्वालिटी जो है ना काफी बेहतर मिलेगा और जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा था कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, तो जी हां दोस्तों इनमें आपको 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा भी मिलेगा। तो चलिए ना डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर्स को। तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ मिलेगा, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। ये फोन एक अच्छा लाइट वेट फोन है क्योंकि 178 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.9mm का थिकनेस है जो कि काफी पतला सा फोन है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। और यूजर इंटरफेस की बात करें तो रियलमी UI 3.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। तो बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.4 इंच का फुल HD प्लस है और 90Hz का स्क्रीन एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है, 430 निट्स का ब्राइटनेस भी दिया गया है। तो ये डिस्प्ले जो है ना कंटेंट वाचिंग वगैरह के लिए काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं हमारा मेन कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो लेंस और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। और प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है और इसी में सैमसंग का सेंसर लगा हुआ है। कैमरा जो है ना इस फोन का बढ़िया मिलेगा। इनमें आपको 4K रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। देखिए 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कैमरा काफी बढ़िया मिल रहा है आपको। बात करें प्रोसेसर का, तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक 4G प्रोसेसर मिलेगा एंड ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर को ज्यादा हैवी नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ठीक ठाक ही है। आप चाहे तो इस फोन में हल्का फुल्का गेमिंग भी कर सकते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं होगा। और 2,80,000 के आसपास इस फोन का अंतोतु स्कोर भी है, स्कोर ठीक है। और बात की जाए बैटरी का, तो आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। तो अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इसमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 256GB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। और इसी को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 14,999 रुपया देना होगा। अगर आपको 16,000 के अंदर में अच्छा कैमरा वाला ही स्मार्टफोन चाहिए तभी आप इस फोन को लीजिएगा। तो अगर आप इस फोन को भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का चौथा फोन आता है सैमसंग के ही तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ये फोन भी जो है ना एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन है और सैमसंग का कैमरा जो है ना काफी बेहतर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस फोन में सिर्फ कैमरा ही बढ़िया नहीं मिलेगा, इसके अलावा भी सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो फिर चलिए एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर्स को। तो स्टार्ट करेंगे इस फोन का भी बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ मिलेगा, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 198 ग्राम इस फोन का वेट है जो कि लगभग नॉर्मल ही है एंड 8.4mm का थिकनेस है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। और यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI कोर 4.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। तो बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिलेगा और 600 निट्स का ब्राइटनेस भी दिया गया है। 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग
कूलिंग रेट मिलेगा, इसमें स्मूथनेस काफी बढ़िया मिलेगा और सबसे अच्छी बात है कि इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो डिस्प्ले इस फोन का ठीक ठाक ही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर एंड 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। देखिए कैमरा भले ही 50 मेगापिक्सल का मिल रहा हो बट कैमरा काफी बढ़िया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, खास करके यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ये कैमरा ठीक है। बात करें प्रोसेसर का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है और 3 लाख के आसपास इस फोन का अंतोतु स्कोर भी है। और बात की जाए बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को, और इनमें आपको 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 15,999 रुपए देना होगा, यानी कि 16,000 रुपया इस फोन का प्राइस है फिलहाल के टाइम पे। अगर आपको 16,000 रुपए में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए या फिर एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो अपने लिस्ट का आखिरी फोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला G62 5G। इसके जगह पे आप मोटोरोला G71 5G को भी ले सकते हैं। अगर आपको 16,000 रुपए में एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए ना, तो नो डाउट ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनमें आपको कैमरा ही नहीं इसके अलावा भी सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फोन का फीचर्स को। तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ मिलेगा, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और 8.5mm का थिकनेस एंड 184g इस फोन वेट है। और जैसे कुछ बेसिक फीचर की बात करें तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और ये फोन जो है ना स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स रेड्स नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 12 पर। इस फोन में ना आपको 3 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट एंड 3 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा जो कि ये चीज एक अच्छा फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन बन जाता है। और हां इसमें आपको स्टूडियो स्पीकर्स भी मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का, तो इनमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगा और 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस काफी हैवी लेवल का मिलेगा एंड 500 nits का ब्राइटनेस भी दिया गया है जो कि ठीक ठाक है। ये तो हो गया डिस्प्ले, अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। और आप पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर एंड 60fps पर, और वहीं फ्रंट कैमरा से केवल 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं केवल 30fps पर। तो कैमरा जो है ना इस फोन का बढ़िया ही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं इसमें एंड 4 लाख प्लस इस फोन का अंतोतु स्कोर भी है। इस फोन में जो चिपसेट लगा हुआ है ना वो एक अच्छा गेमिंग चिपसेट है। और बात की जाए बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 20W का चार्जर को। और बात की जाए रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और इसी को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 15,999 रुपया देना होगा। अगर आपको 16,000 रुपए में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन तो वैसे भी अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। आप अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी फोन को ले सकते हैं इसमें से। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।